कि मौलाना साहब के साथ और बीएनपी मौलाना साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई आप लोगों को मालूम है कि छब्बीसवीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हमारी ये मुलाकातें होती रहती हैं कल हमने आपको बता दिया था कि मौलाना साहब के साथ हमने एक मुश्तरक लाल अपनाना था ख़ान साहब के हिदायत के मुताबिक हमारी ये मीटी ये मीटिंग्स होती रही है कल हम आलमोस्ट इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि हमारा इतफाक़ राय हो जाएगा आज भी हमारी मौलाना साहब के साथ मुलाकात में तवील गुफ्तु हुई है उन शकों पे जो आइनी तरमीम में शामिल है आज आप लोगों को मालूम है जिस तरह आपके पास खबर आई है कि स्पेशल कमेटी ने भी एक ड्राप अप्रूव किया है हमारे साथ जिस वक्त हम इधर आए तो ये चौथा ड्राफ्ट है हकूमत की तरफ से वो हमारे साथ इधर शेयर किया गया जो स्पेशल कमेटी में डिस्कशन होनी थी पहला ड्राप जो लीक हो चुका था 16 सितंबर को दूसरा ड्राप वही जो 12 अक्टूबर को मिला तीसरा ड्राप वही जो हमें सत्रह तारीख को दिया गया था और आज चौथा ड्राप हमें मिला उस चौथे ड्राप में छब्बीस आर्टिकल की तरामीम मौजूद है वो हमने शिक बाय शिक कुछ देखी है अभी हमारी मीटिंग जारी ही थी कि ये खबर आई कि स्पेशल कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया है मैं ये अरज़ करूँ कि हमारी अभी भी बातचीत शुरू है इन शाह तला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे हमने पहले दिन से यह आरस किया था कि जो भी हमारा वोट होगा जो भी हमारे कंसेंसस अगर इस पे डेवलप्ड होगा हम खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे इन शाह आज हम दरख्वास गुजारेंगे क्योंकि खान साहब के साथ बड़े अरसा से तकरीबन दो हफ्तों से ज़्यादा अरसा हो गया मुलाकात नहीं करने दी जा रही है इवन डॉक्टर की मुलाकात भी करने नहीं दी गई और हुकूमत ने अपने डॉक्टरों से मुआयना करवाया था आज हम इंशाल्लाह दरख्वास देंगे कल खान साहब के साथ हम मुलाकात की कोशिश करेंगे और खान साहब के हिदायत के मुताबिक हम अपना फ़ाइनल वर्शन इस पे इनशाल्ला देंगे लेकिन मौलाना साहब के साथ हमारी जो आ, मुलाकात हुई है और जो डिस्कशन हुई हैं तो अलहमदल हम आलमोस्ट एक कंसेंसस पे पहुंच गए स्पेशल कमेटी ने में हमारे तरफ से आमिर डोगर साहब और जो यू आई के रिप्रजेंटेटिव मौजूद थे उनके प्रेसेंस में वो जो ड्राप उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है तो ये वही ड्राप कमेटी ने अप्रूव किया है जिस पे हमारे मौलाना साहब के साथ यहाँ डिस्कशन हो रही है हो रही थी इन शाह है कल खान साहब से हिदायत के बाद हम फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे लेकिन आज मौलाना साहब के साथ हमारी आलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है ये हम खान साहब के सामने रखेंगे और ख़ान साहब की जो हिदायत होगी इन ताला वो हम कल आपको अनाउंस करेंगे आपके होते हुए बिलावल भी यहाँ पर आए कोई मुलाकात के बारे में।, में उन्होंने रिक्वेस्ट की बिलावल साहब भी आए थे मौलाना साहब ने उनको टाइम दिया था वो आए थे वो मौलाना साहब के घर में किसी और कमरे में बैठे लेकिन जाते हुए हमारी तरफ आए हमारी सलाम दुआ ज़रूर हुई है लेकिन बिलावल साहब के साथ हमारी ड्राफ्ट पे कोई गुप्तगु नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मौलाना फजूर रहमान से मुलाकात की और उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे गोहर की जानिब से कहा गया है कि मौलाना फजूर रहमान के साथ जो बात हुई है उनके साथ इतफा के राय पर पहुंच गए हैं। कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया है जिस पर मौलाना रहमान से बात हो रही थी साथ ही साथ उनकी जानब से कहा गया कि बानी पीटीआई जो हिदायत करेंगे उसके मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे बैरिस्टर गौहर ने कहा बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात हुई है लेकिन ड्राफ्ट पर कोई बात नहीं हुई बैरिस्टर गौहर की जानब से कहा गया कि हमारी बातचीत अभी जारी है इनशाला किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे पहले दिन से कहा था कि बानी पीटीआई के हिदायत के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे दो हफ्ते से जायद वक्त हो गया है बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं की आज हम दरखास्त देंगे और कल बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश करेंगे